जो हमने आंकड़े किए हैं वो अपने तर्क के साथ और फैक्ट के साथ उनको साबित करें, फिर गलत है। एक एक चीज़ हमने फैक्ट पर बोली है और इनकी आदत बन गई है। पिछले चार वर्षों से हमने देखा कि सत्य पर कभी नहीं बोलना, झूठ बोलना, झूठ झूठ ही बोलना और झूठा प्रचार करना। और मेरा मीडिया से भी इस बात के लिए कि फैक्ट्स जो है वो फैक्ट्स तो फैक्ट्स है, तो हमने बात कही है वो हकीकत है। हम सदन के अंदर कोई भी गलत बात कहते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी बहुत सारे सवाल जो है आज विपक्ष ने कह रहे हैं। उनका कहने का स्वाभाविक रूप से विपक्ष ने विरोध करना है, उनसे हम समर्थन की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन वो एक शालीन और सब व्यभाषा में अगर करें तो वो ज़्यादा उचित रहता। और दूसरी बात, महामहिम राज्यपाल मोदी जी का अभिभाषण इस सदन में जब भी होता है, हम भी विपक्ष में रहे हैं लेकिन हमने बहुत सम्मान के साथ सुना है, क्योंकि एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप जो है वो अपने दायित्व का निर्वहन करने आते हैं। तो ऐसे में जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने व्यवहार किया है पिछले सत्र में भी और वर्तमान में भी, हालांकि वर्तमान में सिर्फ वॉकआउट किया, पिछले सत्र में तो जो किया वो आपको मालूम, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से बचना चाहिए। सर यूक्रेन में अभी कितने छात्र हैं हिमाचल प्रदेश के और कितने वापस लौटे? 108 बच्चों को लेकर के अभी तक उनको लाने में सफल हुए हैं, वो अपने घर में चले गए हैं। परसों मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बच्चे वहाँ यूक्रेन में हैं, काफ़ी बच्चे उसमें जुड़े थे, कनेक्ट हुए थे, जो जो नेटवर्क में थे वो उनसे इंटरेक्शन करने का मौका भी मिला, बात करने का। पेरेंट्स जो यहाँ पर हैं उनसे भी बात करने का अवसर मिला है उसमें। और हम सब लोग बहुत चिंतित हैं, 108 बच्चे अभी तक हिमाचल प्रदेश में वापस आ चुके हैं। भारत सरकार बहुत ज़ोरदार प्रयत्न कर रही है कि हर बच्चा वहाँ सुरक्षित रहे और वहाँ से जब आए तो सुरक्षित होकर के हिमाचल पहुँचे, इस बात की उम्मीद कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे सुरक्षित होकर के बहुत जल्दी वापस पहुँचेंगे। हालात वहाँ के चिंताजनक हैं, निश्चित रूप से इसमें दोराय नहीं, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो हमको इसमें जो मिली जानकारी के, जो कैपिटल है दीप जो वहाँ की, वहाँ पर हिमाचल का कोई भी बच्चा वहाँ पर नहीं। दूसरी जगह जो बच्चे हैं उनको अलग, इसमें जो मिली जानकारी के, जो कैपिटल है दीप जो वहाँ की, वहाँ पर हिमाचल का कोई भी बच्चा वहाँ पर नहीं। दूसरी जगह जो बच्चे हैं उनको अलग अलग तरीके से उनको कम्युनिकेट करके हम जानकारी दे रहे हैं कि आपको बेहतर तरीके से किस प्रकार से वहाँ से निकलना है। और हमारी केंद्र सरकार ने जो 4 मंत्री विशेष तौर से लगाए इस कोऑर्डिनेशन के लिए, वो सारी चीज़ में कोऑर्डिनेशन करके तो बेहतर परिणाम मुझे लगता है कि आएंगे। थैंक यू।